देखो भाई, बात अगर गोलकुंडा की कर रही और वो रोड पे बड़ा बाजार, किससे भी पूछ लो आप, न्यू आलम्स पे आ जाना बोलतोला खाने, वहाँ का बढ़ेगा तलावा गोश्त, मजेस्टिक चिकन, मलाई चिकन, मटन मरक बढ़ेगा है वो भी। और शामी मैं भी जब भी आते जाते रहता हूँ तो मैं पब्लिक देख के समझ जाता हूँ कोई भी रेस्टोरेंट पे अच्छा खाना है, पब्लिक अच्छी है तो समझ जाना वाकई। प्राइस स्ट्रक्चर भी बहुत सस्ता है, बहुत अफोर्डेबल है और टेस्ट एकदम लाजवाब। सुनेवा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अपन तो खैर पहली बार खा रहे। बिस्मिल्लाह बोल के अपन शुरू करेंगे इनकी बड़े की शामी से, जो कि 20 रुपए में ही चाहिए। चलते फिरते इतने सस्ते आइटम मिले बोले तो मेरे को तो खुशी आती, कहीं को बोले तो डबल ट्रिपल दे सकते हैं अपन। क्या करता हूँ मैं, इनका लच्छा पराठा, उसके अंदर ये बेहतरीन गोश्त वाली शामी डाल दिए, नींबू निचोड़ दिए उस पर, फिर प्याज डाल दिए, बिस्मिल्लाह बोल दिए और फिर निवाले में डाल दिए। जैसा हलीम को अपन रेशेदार बोलते हैं, मैं शामी को गोशेदार बोलता हूँ। ये गोशेदार शामी है, लजीज है। मैं क्या करा, रोटी के साथ डायरेक्ट खा लिया, लेकिन इसको ओनली 20 रुपीज़, कैसा भी खाओ इससे शुरू करो। नेक्स्ट यूनिक आइटम है मैं, जो कि अपने को मटन बढ़ेगा मरग हर जगह नहीं मिलता, आलम्स पे मिलता, तो अपन वो मरग से शुरू करेंगे। आहा, क्या ऊपर से घी और तेल की तरी दिख रही उस्ताद, इसमें समझ जाना अपने को जिंदगी के मजे मिलने वाले हैं। कहीं को बोले तो ये सर्दियों में गरम गरम मरग दिल को खुश करने वाली चीज है। क्या करता हूँ मैं, ये रोटी लिया, ये रोटी लेके रुमाली रोटी में ट्राई करेंगे, क्योंकि नान तो है नहीं यहाँ पे और पराठा तो मेरे को उतना जमता नहीं। रुमाली रोटी में ऐसा डुबाऊंगा मैं पूरे शेरवे को, बिस्मिल्लाह। यकीनन वो जो बड़े का गोश है मुलायम मस्के के वैसा गल गया मेरे मुंह में जाके, कहाँ छुप गया कहाँ नहीं मालूम नहीं होना। थोड़ा मरक गाढ़ा हो सकता था, लेकिन फ्लेवर पैलेट भर रहा हूँ मैं आपको, बहुत बेहतरीन है। कितने का है मालूम, ओनली 150 रुपीज़ में, 150 रुपीज़ में आपको इतनी बेहतरीन चीज़ मिल रही बोले तो नंगे पैर भाग के आके खा लेना। बस मटन मरक खाया, बस बड़े का क्रीमी था है। और एक चिकन का वर्जन है विच इज मलाई चिकन ग्रेवी, ऊपर अच्छा उसके क्रीम डाले, थिक ग्रेवी दिख रही मेरे को, उसको ऐसा डुबाऊंगा मैं वो ग्रेवी में। बहुत प्यारी दिख रही उस्ताद, बिस्मिल्लाह बोले। और जो बड़ा नहीं खाते वो छोटा खाने वाले, सॉरी छोटा तो नहीं, ये तो चिकन है इसलिए छे, ये वैरायटी रहती, क्रीमी है, थिक है, जैसा मैं बोला नहीं मरग एकदम थोड़ा गाढ़ा, ये है देखो गाढ़ा इसके अंदर। इन्हों मेरे ख्याल से थोड़ा मैं आया बोल के एक्स्ट्रा घी भी डाले, उसको मैं लाइट ले लेता हूँ, लेकिन जो टेस्ट है बोल के नहीं आया बना, डायरेक्ट ऐसे एंट्री मार दिया, तो अपने लिए स्पेशल कुछ भी नहीं बना, ऊपर से खाली क्रीम गिरा होगा, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ी होंगी, लेकिन टेस्ट पहले से बने हुआ था। और ये टेस्ट के लिए तो मैं नींद में से उठ गया, यहीं आने के लाया, बहुत पसंद आया मेरे को, क्योंकि मेरे को क्रीमी थिक आइटम खाने का शौकीन हूँ, इसीलिए ये दोनों आइटम बहुत अच्छे दिखे मेरे को। अरे वाह, कैंपा कोला आ गया, यहाँ पे पेप्सी नहीं है, यहाँ पे इजराइल नहीं है, यहाँ पे क्या है अपना इंडियन है, बहुत सही दिखा मेरे को। इसको जब मेरे को प्यास लगेंगी जब पीऊँगा मैं, लेकिन अभी तो फिलहाल भूख लग रही, वो भूख को मिटाने इधर का तलावा गोश्त खाऊंगा। वो तलावा गोश्त का मसला कैसा है बोले तो, हैदराबादी तलावा गोश्त इज बेसिकली वेरी ड्राई, ये क्या है थोड़ा ग्रेवी में बने हुआ है, और ग्रेवी में बोले तो रुमाली रोटी ले लेना अपन साथ, ऐसा फिर से डुबाऊंगा मैं, बिस्मिल्लाह बोलूंगा। ये जो ग्रेवी है एक प्याज के मसाले में बनी हुई है ऐसा दिख रहा है, अक्सर क्या है ज़्यादा दही रहता तलावा गोश्त के अंदर आप जब ग्रेवी की बात कर रहे हो, लेकिन ये प्याज के मसाले में तो एक अच्छी हाई लेवल ग्रेवी बन गई वैसा है। ओनली फॉर ₹130 में ऐसी प्यारी ग्रेवी दिख रही, क्या यार हो, किस्मत अच्छी है गोलकुंडा के रहने वालों को, कभी भी अगर जेब में क्या है मालूम, एक अफोर्डेबल आइटम खाने का है आपको, टेस्टी खाने का है बोले तो यहाँ आ जा सकते हो। मेरे को क्या है मेहदीपट्टनम से आना पड़ता, जो कि दूर नहीं है देखा गया, तो आते अपन। हाँ एक और निवाला लूँगा, क्योंकि गोश्त बहुत प्यारे तरीके से गला और मसाला उसका पसंद आ गया। अपन क्या करें, पहले शामी से शुरू करें जो कि स्टार्टर आइटम था, फिर ग्रेवी ग्रेवी ग्रेवी, अब फिर वापस अपन स्टार्टर आइटम्स पे उतरेंगे, जो कि इनका बोटी कबाब है, बिस्मिल्लाह। एकदम च्यूई है, च्यूई बोले तो च्यूई बोल रहा हूँ, बड़े का है तो वैसे ही रहता था। ड्राई मसाला जो कि है, क्योंकि वो तंदूर का आइटम है, सिकड़ी पे बनाते तो वो ड्राई रबिश रहता, वो मसाला मेरे को बहुत प्यारा दिखा, थोड़ा और गल सकता था मेरे ख्याल से, जल्दबाजी में ला दिए, लेकिन च्यूई जो बड़े का बोटी कबाब रहता प्यारा मज़ेदार। चलो ये हो गया, अब लग रही मेरे को प्यास, इसीलिए अपन ले लिए कैंपा। चलते फिरते अपन क्या मालूम खुर्शीद भाई ऐसी बना देने वाले, ये सब पूरा गया जमाना, पहले परमिशन लेने ज़बरदस्त, कोई भी मेरे को बोले कि भाई यहाँ पे लाजवाब खाना मिलता बोले तो आ जा रहे अपन। ऐसी आलम्स को भी आ गए, मेरे को कितने की कमेंट्स आए थे भाई आप गोलकुंडा नहीं कवर करे, आलम्स नहीं कवर करे, तो मैं उसके हिसाब से आ गया यहाँ पे खा रहे, और बहुत खुशी हुई भाई जो जो मेरे को कमेंट करे, जेन्यून बोल रहा हूँ। 20 की शामी है, 50 रुपये का शीख कबाब, 70 रुपये का बोटी कबाब, 130 रुपीज़ का तलावा गोश्त, 140 रुपीज़ का 65, ये 150 150 रुपये में पूरा सामान खानदान खाली बैठा हो गया। चलो ये हो गया, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, और एक स्टार्टर जो कि मजेस्टिक चिकन है, थोड़ा दही की खटास में बनता, पीला कलर का रहता, हल्दी में बनता, मेरे को तो बहुत पसंद है, यहाँ कैसा है वो ट्राई करेंगे, क्योंकि 65 से तो बोर हो गया भैया, बिस्मिल्लाह।
दाव तो मैं खाते देखो अपन एक योगा चिकन पीला वाला वैसा है, बहुत प्यारा है। मेरे को क्या मालूम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ तो भी खामी निकाल के तुम लोगों को बताने की भाई। अरे खुर्शीद भाई जेन्यून रिव्यू दे रहा था, लेकिन वो कोशिश में भी मैं कुछ नहीं निकाल सक रहा हूँ खामियाँ, इतना अच्छा है पूरे चीज़ा। तो सोच लो तुम ला, कैसा भी आके विजिट करके खाओ। तो भाई देखो यहाँ पे तहारी भी मिलती और टिपिकल चाइनीज़ के राइस के आइटम भी मिलते, लेकिन वो तो अपन खाते रहते देखते रहते दिखाते रहते बोल के मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जितने भी स्टार्टर्स आइटम्स और ग्रेवीज दिखाया मैं आपको, खा लो, आई एम श्योर आप मेरे को दिल से दुआ दे दे। एंड करेंगे अपन इनके शीख कबाब से। इनका शीख कबाब ऊपर एक बेहतरीन मसाला डाले, लाल लाल जो भी है, अब वो मसाला है बोलते कि समझ जाना, अगर चटपटी जबान रही तो खुश हो जाती। मेरी तो है चटपटी जबान, इसीलिए मैं क्या करा, रुमाली रोटी में ऐसा फिराऊंगा, इनकी ये खोपरे की कौन सी चटनी है किसमें ऐसा डुबाऊंगा, डुबा के फिर अपन निवाले में लाल के खाएंगे। कहीं को डुबाए बोले तो शीख कबाब क्या है, ड्राई आइटम है तो इसलिए मज़ेदार इतना है। मैं रुमाली रोटी और वो डुबा के नहीं खाना चाह रहा हूँ, नहीं खाना था। कहीं को बोले तो इतना प्यारा शीख कबाब है, उसके डायरेक्ट अगर अपन मसाले और गोश्त का टेक्स्चर नहीं ट्राई करें तो कैसा। मज़ेदार, अगर आप गोलकुंडा फोर्ट को आए, नहीं भी आए, ये रास्ते से जा रहे गोलकुंडा के जो बड़ा बाजार बोलते हैं, 100% विजिट करना बनता है। स्पेशली आप क्या मालूम बजट फ्रेंडली हाई क्वालिटी ज़बरदस्त टेस्ट वाले आइटम ट्राई करना चाह रहे तो कहाँ पे, न्यू आलम्स शामी कबाब सेंटर है नाम, आप भी विजिट करो। ऐसे मेरे को कमेंट में बताओ कि भाई क्या नेक्स्ट में विजिट करना था, कि आप लोगों का जैसा मैं ट्राई करके जताना कि भाई वाकई सही है या गलत। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मेरे भाइयों, टाटा बाय बाय। मैं तो खा लेता हूँ पहले।